तो ये सैमी देख सकते हो, सैमी रेडी हो गई है, सैमी भी जाने के लिए रेडी, और लिटिल भी इधर देखो, तो चलो चलते हैं। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अब देख सकते हो बहुत चिल्ला रही है। बंगाली ग्रुप जो है वहाँ से किससे किसी ने पार्टी दी है, तो वहाँ से जा रही हूँ, तो चलिए आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो मैं अभी पहुंच गई हूँ बंगाली ग्रुप में, जो आज होस्ट है, आई मीन जो पार्टी रख रही है, तो वो है हालदार फैमिली। आप देख सकते हो ये है हमारा होस्ट अंकिता बोधी, आज गेट टुगेदर रखी है, और मैं सबसे लास्ट हूँ, सभी लोग आ गए थे देख सकते हो, और बंगाली में बातें भी हो रही थी, बंगाली ग्रुप है तो हम लोग मन शांति करके बात करती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो ये स्कूपी, और ये जो फ्लावर है मुझे बहुत पसंद आई, वाइट कलर की, जिसका वीडियो नहीं लेके मैं रह नहीं सकती। उसके बाद अंकिता बोधी ने स्टार्ट की हम लोगों का जो कोल्ड ड्रिंक्स से, इसके बाद आप लोगों के साथ वन बाय वन करके शेयर करेंगे। साथ में है स्नैक्स, जिसमें है पॉपकॉर्न, जो कि ना मेरी बेटी को बहुत फेवरेट है, और उसके बाद है चिप्स, कुरकुरे, ये सब स्नैक्स हैं। और स्कूपी जो है ना, इसको देख के सभी बच्चे लोग बहुत इंजॉय करने लगे, क्योंकि ना बहुत दिनों बाद ऐसा होता है ना, कोई पेट घर में, सभी लोग बहुत प्यार कर रहे हैं स्कूपी को, पर मेरी जो छोटी बेटी है उनका रिएक्शन देख के ना आप लोग बहुत पागल हो जाओगे। तो यहाँ पे देख के देख सकते हो कि वो बैठी हुई है स्कूपी, और मेरी बेटी बात कर रही है, और यहाँ पे मेरी छोटी जो बेटी है लिटिल, वो भी स्नैक्स लेके बैठ गई है, और मैं भी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स ले ली हूँ हाथ पे, और स्कूपी जो है चुपचाप बैठी हुई है बेड पे, और यहाँ पे मेरी बेटी भी बैठी हुई है चिप्स वगैरह लेके, वो भी स्नैक्स ले रही है, और हम सब बात कर रही है, आई मीन गेट टुगेदर में तो यही होता है बहुत ज़्यादा। मेरी छोटी बेटी ऐसा नहीं देखी है, जिसके कारण वो देख के ना उसको अजीब लग रही है, और वो डर भी रही है। और ये सब बातें करते करते ना हम लोगों का जो नेक्स्ट मील है वो भी आ गया है, और शुभ्रा बोधी ऑलवेज सर्व करने में बहुत इंटरेस्ट लेती है, तो जिसके कारण वो देखो इस तरह से डांस कर रही है, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। और ये है जो नेक्स्ट मील आ गई है, वो तो पावाजी है, आप लोग तो देख समझ गए होंगे। नेक्स्ट निवेदिता भाभी भी सर्व करने के लिए सब कुछ लेके आ गया है, तो मैं भी थोड़ा उठ के इधर उधर देख रही हूँ सब कुछ, तो देखा कि अंकिता बोधी को नहीं देख रही हूँ। ढूंढते ढूंढते मैं आ गई किचन में, तो आके देखे कि अंकिता बोधी काम करे, आई मीन बेड जो है वो कार्ड वगैरह सर्व करिए, और एक नज़ारा में ना अंकिता बोधी का इतना अच्छा जो घर सजा के रखे, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से घर सजा के रख दिए, और इसके बाद हम लोग बैठ के अभी जो ये है वो ले ली हूँ। नेक्स्ट ये जो फ्लावर है मुझे ये भी बहुत पसंद आए, और इसके साथ वीडियो लेते लेते मैं बाहर चली गई, क्योंकि ना बाहर का जो नज़ारा है चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इतनी अच्छी है कि यहाँ पर ना मन बहलाने के लिए ना बहुत अच्छा है कि आप इधर बैठी रहो, और बहुत शांत से हवा आ रही थी, बहुत ही अच्छा है। और धीरे धीरे सभी लोग आ गए हैं।
और यहाँ पे देखो बच्चे लोग बदमाशी कर रही है, मारपीट कर रही है, देख के ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम से ना बचपन में हम लोग जैसा करते हैं ऐसे है। उसके बाद ना हम सब फिर से वापस आ गए थे, पर मैं थोड़ा शाम ढलने के बाद बाहर आ गई थी बैलकोनी का नज़ारा लेने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो हम लोगों का ये इधर से ना पूरा कॉलोनी दिखती है, पूरा ही कॉलोनी है। और ये दूसरे साइड में प्लांट वगैरह जितने सारे हैं वो भी दिख रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप ना इधर सुकून से दो चार पल कैसे बीत जाएगी पता ही नहीं चल रहा है। मुझे आके आप इतना अच्छा लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं भूल ही जाती हूँ कि अरे भाई मेरे को घर जाना है। तब धीरे धीरे जाने का टाइम भी आ गया। धीरे धीरे हम सब निकलने लग गए हैं, बच्चे लोग बाहर देखो खेल रही है फिर से। इन बच्चे को लड़ना क्या खेलना का कुछ नहीं रहता है। और यहाँ पे देख सकते हो स्कूपी क्या करने वाली है, अभी मैं तो लिफ्ट में घुस रही हूँ, अभी देखो स्कूपी का नज़ारा, स्कूपी भी दौड़ के आना चाह रही है, बस बंद हो गई, वो नहीं आ पाई। और पार्टी ख़त्म होते ही आके पहुँच गए घर। घर आने के बाद अभी जाएंगे लिट्टी को लेके डॉक्टर के पास, मेरे हस्बैंड भी आ गया है, उसके बाद अभी जाएंगे डॉक्टर के पास क्योंकि लिट्टी का बहुत दिनों से ना वायरल फीवर बोल सकते हैं ऐसा कुछ चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो जिसके कारण मैं ऐसे रेडी होके रह गई थी क्योंकि मेरा पहले से प्लानिंग था कि डॉक्टर के पास जाना है, तो आज ही जाएंगे चलते हैं डॉक्टर के पास। फिलहाल तो लिटिल को दिखा के घर पे आ गई हूँ और अभी जाऊँगी रात के डिनर के लिए बनाने के लिए, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं आज क्या बनाएंगे। ये देखो सैमी और लिटिल बहुत थके हुए हैं। सैमी सभी को हाय बोल दो, फटाफट जाओ ड्रेस चेंज करो, होमवर्क करना है, मैं चिकन पकौड़ा बनाती हूँ। तो लेके आओ जाओ जल्दी जाओ। और किचन में ये जो देख रहे हो ये पहले से मैं मैरिनेट करके फ्रिज में रख के गई थी और थोड़ी देर पहले निकाल के बाहर करके। और ये ना जो आयरन कढ़ाई है, मम्मी हर वक्त बोलती है कि आयरन कढ़ाई में ना बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है चीज़, ऑयल कम ऑब्जर्व होती है, तो जिसके कारण मैं आयरन कढ़ाई यूज़ करती हूँ फ्राई करने के लिए ऑलवेज। बट अभी देख रहे हो धीरे धीरे करके इसको पकने के टाइम भी दे रही हूँ, जैसे कि ना मैरिनेट के टाइम ऑलवेज ज़्यादा रखो तो बहुत अच्छी तरीके से ना सॉफ्ट बनते हैं पकौड़ा। अपने खाने के बाद आप लोगों के साथ वॉइस दे रही हूँ, तो मैं कैसा बनाया था वो मैं बता रही हूँ। बहुत ही अंदर से जूसी थी, सॉफ्ट थी, तो मैं तो बोलूँगी कि भाई बहुत पहले बना के रखो। और आज का वीडियो यही तक है, यही पे एंड होता है, यही हम लोगों का डिनर है। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।